क्या रिलायंस जियो इस वक्त पे इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट करने को देख रहा है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, क्योंकि 2016 से जब से ये कंपनी चालू हुई है वहां से अगर हम इसका ग्रोथ रेट देखेंगे तो एक अनबिलीवेबल रेट पे ये ग्रो हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जियो को अलग से फेवर किया है, इस वीडियो में चलिए बात करते हैं। डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिन्हें ऐसा लगता है कि जियो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है इंडियन मार्केट में। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त पे जब जियो ने प्राइसेस बढ़ाए, लोगों को ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही ईवल मूव है और जियो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इस वक्त पे जियो का जो मार्केट शेयर है इतना ज्यादा है कि अब उसे परवाह ही नहीं है कंपटीशन की। बट आपको मैं एक बात बता दूं, मोनोपोली इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं है, ना तो कभी आई है ना कभी आएगी। इस वक्त पे अगर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को किसी चीज से खतरा है तो वो है डुओपोली का, और डुओपोली में दो कंपनीज होती है, एक कंपनी नहीं। तो इंडिया का डुओपोली सिस्टम एयरटेल और जियो चलाएंगे, ऐसा इस वक्त पे एक स्केयर बना हुआ है। बट क्योंकि वोडाफोन आइडिया को भी फंडिंग मिल गई है और BSNL भी 4G रोल आउट कर रहा है, हम जरूर देखेंगे एक अच्छा कॉम्पिटिशन इंडियन मार्केट में डेवलप होता हुआ। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो जियो है क्या वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है या कर सकता है? चलिए, इसके लिए ना हमें फैक्ट्स और फिगर्स पता होने बहुत जरूरी है। सिर्फ इमोशंस में या कॉन्ट्रोवर्सीज में बिलीव करके बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ट्राई, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके हिसाब से जो हर महीने का मंथली रिपोर्ट हमें मिलता है वहां से हम ट्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या जियो एक मोनोपोली बिजनेस है या फिर ये एक जस्ट मिथ है और लोगों को इसके बारे में बात करने का एक अच्छा फीलिंग मिलता है, क्योंकि वो और किसी तरीके से अंबानी के सक्सेस को या फिर रिलायंस जियो के सक्सेस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं फिगर्स को। अगर आप स्क्रीन में इस फिगर को देखेंगे तो आपको दिखेगा वायर्ड प्लस वायरलेस एक फिगर, और ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बोलूंगा आप पॉज करके एक बार ध्यान से देखो। तो आपको इस फिगर में दिखेगा कि रिलायंस जियो हैज 52.04% ऑफ द मार्केट। तो ये आधा जो मार्केट है जियो के पास है वायर्ड प्लस वायरलेस, बट ये मोनोपोली फिर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो है भारतीय एयरटेल, और इस रेस में वायर्ड और वायरलेस सेगमेंट की भारतीय एयरटेल के पास है ऑलमोस्ट 30% मार्केट। बट यहाँ पे अगर हम इसको और डिवाइड कर देते हैं वायरलाइन और वायरलेस सेगमेंट में, तो आप देखेंगे वायरलाइन में एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन बना हुआ है, और एयरटेल और जियो के बीच में 10% का डिफरेंस है, और जियो यहाँ पे नॉट इवन 40% ऑफ द मार्केट अपने पास रखा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और वायरलाइन में एक प्लेयर को, लौते प्लेयर को बहुत बड़ा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी आपको खूब सारी लगती है, प्लस डीपर पेनिट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जो कि वायरलेस में थोड़ा ज्यादा ईजी है। बट अगर आप वायरलेस सेगमेंट को भी ध्यान से देखेंगे तो इसके फिगर में भी आपको दिखेगा कि जियो यहाँ पे भी एक मार्केट शेयर जो है 40% के पास ही रखा हुआ है, 50% यहाँ पे भी टच नहीं करता। तो एयरटेल इज 33%, जियो इज 40%, वोडाफोन आइडिया इज क्लोज टू 19%, और BSNL और MTNL का अगर हम जोड़ के बनाएंगे तो क्लोज टू 8% मार्केट शेयर बनता है। तो जियो का एक्चुअल में मोनोपोली बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। और जो सेकेंड कॉम्पिटिशन है भारतीय एयरटेल, अगर हम देखेंगे तो वायर्ड और वायरलेस दोनों में ही अच्छा खासा कॉम्पिटिशन जियो को देते हैं, और ये तो हम सबको पता है कि अगर आपके घर में एक सिम जियो का है तो दूसरा एयरटेल का लाइकली होगा ही, और BSNL और वोडाफोन आइडिया भी कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जियो का जो मोनोपोली का मिथ है ना, उसको हम अपने दिमाग से हटा देंगे। ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज है इस पे बिलीव मत किया कीजिए। जो टैरिफ हाइक है वो क्यों हुआ, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है अपने लाइव सेशंस में, आप हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में जाके टैरिफ हाइक Q&A वीडियोस भी चेक जरूर कर सकते हैं। बट इस टैरिफ हाइक को जस्टिफाई करते हुए भी एक वीडियो है जो मैं आपको जरूर लेके आऊंगा, तो फ्यूचर में आप हमारे वीडियोस को मिस ना कीजिए। उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और दोस्तों इस वीडियो को थम्स अप करके अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए जिन्हें ऐसा लगता है कि जियो एक ईवल कंपनी है या अंबानीज आपको लूटने के लिए यहाँ पे दौड़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।